अयोध्या तिवारी मंदिर के साकेतवासी महंत उमापति त्रिपाठी की 226वीं जयंती के मौके पर आयोजित संगोष्ठी व भजन संध्या कार्यक्रम अयोध्या के तुलसी उद्यान में आयोजित किया गया। वहीं बिहार की मशहूर लोक गायिका बच्ची मैथिली ठाकुर अपने भजन से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। तिवारी मंदिर के महंत गिरीश त्रिपाठी ने कहा कि पूज्य महंत उमापति त्रिपाठी की 226 जयंती के मौके पर उनकी स्मृति पर इसमें राम हमारे राष्ट्रपुरुष हैं इस विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें विद्वान लोग अपने विचार रखेंगे। पंडित जी के नाम पर वशिष्ठ सम्मान आचार्य ब्रह्मानंद को दिया गया। इस स्थान के अंतावासी ब्रह्मचारी के नाम से ब्रह्मचारी सम्मान राम प्रकाश को दिया गया। भजन संध्या के मौके पर बिहार की मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर अपने भजन से रामनगरी में आस्था की गंगा बहाई। वहीं मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने कहा कि मुझे पहली बार अयोध्या आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यहां के लोगों से मिलकर बहुत ही खुशी मिली। वहीं बिहार की जानी मानी लोक व भजन गायिका मैथिली ठाकुर की सुरों पर अयोध्या की शाम गुलजार हुई। अयोध्या के तुलसी उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में मैथिली ठाकुर ने भगवान श्री राम पर भजन गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मैथिली ठाकुर भगवान श्री राम के ससुराल से उनके घर अयोध्या आई हैं। के आधार पर और ब्रह्मचारी जी के नाम पर ये सम्मान दिया गया। उमापति त्रिपाठी की वशिष्ठ सम्मान पूज्य ब्रह्मानंद पाठक जी को और ब्रह्मचारी सम्मान दूरदर्शन लखनऊ से जुड़े आत्म प्रकाश जी को प्रदान किया गया है। अयोध्या के सभी संत महापुरुष सभी विद्वान जन यहाँ पर पधारे हुए हैं। पूज्य राघवाचार्य जी का राम हमारे पितृपुरुष हैं इस विषय पर वक्तव्य हुआ और अब मैथिली जी का यहाँ पर। ये कार्यक्रम जो था ये किसकी तिथि पर था, पुण्य तिथि पर? पंडित उमापति त्रिपाठी जी का ये 226वां स्मृति दिवस। और आज ही कार्यक्रम मैं थोड़ी देर में परफॉर्म करने वाली हूँ तुलसी उद्यान में और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है यहाँ के लोगों से मिल करके, उनका रिस्पांस देख करके। काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं सिर्फ होर्डिंग्स देख करके, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अगर आपको सुरों के माध्यम से अयोध्या को कुछ कहना हो या अयोध्या वासियों को कहना हो या रामलला का जो मामला चल रहा है उस पर कुछ कहना हो तो क्या कहना चाहेंगी, वो कौन सा गीत होगा? अचित नीचे करो आईडी। एक परिछन का गीत है जो मैं सुनाना चाहती हूँ। पूर्वा पश्चिम मासे अइले सुंदर दूल्हा जुड़ा बे लगली है सासुआ पनी नयना। पूर्वा पश्चिम मासे अइले सुंदर दूल्हा कैसा अनुभूति क्या होती है? बहुत अच्छा लगता है कि मुझे अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है YouTube और सोशल मीडिया पे गाने अपलोड किए हुए, करीब 1.5-2 साल के भीतर बहुत सारे लोग पहचाने लगे और हम तीनों भाई बहनों को बहुत प्यार दे रहे हैं। बस ऐसी उम्मीद है कि आप लोग हमारे ऐसे वीडियोस देखते रहें और उसको शेयर करते रहें।